हेलो दोस्तों, नमस्ते, वालेकुम, वला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर उल्फत अंसारी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उल्फत अंसारी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग करने वाले, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास हीरो होंडा की सी डाउन बाइक है और इसमें आपको टाइमिंग चेन की नॉइज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको गैस्केट कंप्लीट दिख रहा होगा और गाड़ी की फुल इंजन फिटिंग हुई है। कहीं पे ये जो इसका ओनर है वो फुल इंजन फिटिंग करवाए थे और इसमें टाइमिंग चेन की एक नॉइस आ रही है, तो उसको कैसे ठीक करें वहाँ पर ठीक नहीं हो पाए। तो मेरे पास ये गाड़ी लेके आए हैं कि किस तरह इसका टाइमिंग चेन सही होगा, तो हम बोल दिए इनको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास जेन्युइन टाइमिंग चेन इसका हीरो का है, वो आपको हम दिखा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे हीरो की जेन्युइन टाइमिंग चेन है। यहाँ पे आप देख पा रहा होगा, इसका प्राइस 115 रुपये पड़ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे 115 रुपये प्राइस है। तो कैसे आपको इसका खोलना है, कहाँ से इसकी टाइमिंग करनी है, कैसे इसका जो है इस नॉइज है वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ये ढक्कन खोलना, आपको पहले टाइमिंग दिखा देते हैं कहाँ से टाइमिंग करना है और किस तरह इस गाड़ी का टाइमिंग चेन आप नॉर्मली रिप्लेस कर सकते हैं अपने घर में कुछ टूल्स के मदद से। तो पूरी फुल में डिटेल में आपकी वीडियो देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए किस तरह हीरो होंडा सी डाउन की ऑल हीरो बाइक, जितना भी हीरो बाइक है नॉर्मली 100 अंडर 100 CC के अंदर, तो सब में टाइमिंग चेन जो है और टाइमिंग की कैसे करें उसका सब सिंपल एकदम सेम रहता है एक तरह से। तो कैसे आप नॉर्मली अपने घर में कुछ टूल्स की मदद से इसका कर सकते हैं वो आपको हम वीडियो में दिखा देते हैं। एक बार इसको आपको नॉइस सुना देते हैं किस तरह की किट 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 आवाज आ रही है टाइमिंग चेन की। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे हो किस तरह किट 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 की आवाज आ रही है, टाइमिंग चेन की आवाज है। फुल इंजन फिटिंग करने के बाद भी इसकी आवाज नहीं गई है। यहाँ पे आपको प्रूफ दिख पा रहा होगा, गैस्केट यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिख रहा है, जिसका मतलब जो है टाइमिंग चेन नया डालना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पे फिटिंग करवाई थी जिससे आवाज इसकी नहीं गई है। तो कैसे आप कुछ टूल्स की मदद से खोलना है, सबसे पहले ये मैग्नेट कवर खोलना है, फिर यहाँ पे मैग्नेट का रोलर कवर आपको आवाज सुना। जैसे एक्सलेटर हम हाई करेंगे, RPM हाई करेंगे इसका और आवाज बढ़ जाएगा। आपको एक्सलेटर लेके गाड़ी की आवाज सुना के दिखाते हैं। तो नॉर्मली आप कैसे इसको टाइमिंग चेन को रिप्लेस करें वो आपको हम दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा। मैग्नेट कवर खोलने से पहले हमको गियर की लीवर, तो यहाँ पे 10 mm का एक बोल्ट रहता है जिसको हम रिमूव कर लिए, इस जगह पे रहता है इस तरह का 10 mm का बोल्ट। तो नॉर्मली अब हमको जो है मैग्नेट कवर का खोलना पड़ेगा। तो मैग्नेट कवर खोलने के लिए उसको इस तरह का हमको 8 mm की गोटी चाहिए। तो नॉर्मली 8 mm की गोटी से कम्प्लीट रिमूव कर लेते हैं, फिर मैग्नेट कवर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम मैग्नेट कवर जो कंप्लीट रिमूव कर दिए हैं, इसके अंदर 3 बोल्ट रहते हैं 8 mm के, इस तरह के 3 बोल्ट रहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नेट दिख रहा होगा और इसके अंदर आपको 14 नंबर का नट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिस्टन हम टॉप पे ले आए हैं, TF का भी हम फुल फॉर्म आपको बताएंगे। यहाँ पे TF इसकी यही फुल टाइमिंग है। तो TF यानी हमारा पिस्टन टॉप फ्लोर पे है, T यानी टॉप, F फ्लोर। तो TF यानी मेरा जो पिस्टन है टॉप फ्लोर पे, यानी मेरी जो टाइमिंग है परफेक्ट मिली हुई है। तो सबसे पहले भी हम खोलने से पहले आपको दिखा देते ताकि आपको फिटिंग के दौरान आप डिटेल में वीडियो दे रहे हैं ताकि फिटिंग के दौरान आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमको ये जो है मैग्नेट निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेट निकालने के लिए यहाँ पे पुलर लगाते हैं और 14 की रिंग से इसको नॉर्मली लूज कर लेंगे। और लूज करने के बाद हम इसको निकालने के लिए एक पुलर यूज करना पड़ता है। तो कैसे आप पुलर यूज करेंगे, कैसे इसको निकालना है, एंटी क्लॉक खुलता है या क्लॉक वाइज खुलता है, उल्टा या सीधा, इसको हम पूरा डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो कैसे इसको खोलना है नॉर्मली आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे मैग्नेट पे एक होल्ड करने के लिए दिया हुआ है, इस जगह पे आपको कैमरे में दिख रहा होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरह का प्लग स्पिनर लेना है और यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे इस जगह पे, ताकि मैग्नेट आके यहाँ पे स्टॉप हो जाए। और इस तरह की हमको 14 mm का रिंग पाना लेने के बाद यहाँ पे नॉर्मली इसको रिमूव करेंगे तो ये खुल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे इस तरह इसको हम होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे इस तरह हिट करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम इसका जो है 14 नंबर का जो नट था उसको हम कम्प्लीट रिमूव कर लिए। तो बहुत में यहाँ पे वॉशर रहता है, बहुत में नहीं रहता, ये कॉलर नट है, इसमें वॉशर नहीं था, तो आपको इसको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हम इसका जो मैग्नेट निकालने से पहले यहाँ पे एक जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, यहाँ पे एक पूलर आता है स्पेशल टूल्स, तो उसके मदद से इसको नॉर्मली रिमूव कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको रिटर्न इधर बैक लेना है ताकि इसका हम अंदर से टाइमिंग चेन जो कम्प्लीट रिप्लेस कर सकें। तो इसको कम्प्लीट हम मैग्नेट को बाहर रिमूव करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। इसके लिए एक पुलर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं इसका मैग्नेट कंप्लीट खोल दिया, इसमें मैग्नेट में जैसे चुम्बक रहता है और यहाँ पे कंप्लीट इसको हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रू है, एक नीचे स्क्रू रहता है, तो कंप्लीट इसको हमको जो कॉइल प्लेट है इसको कॉइल प्लेट को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसका पिकअप कॉइल है और इसका लाइटिंग कॉइल, ये तीनों, और ये इसका स्टार्टिंग कॉइल है। तो कंप्लीट हम कॉइल का भी डिटेल नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको टाइमिंग चेन निकालना पड़ेगा। तो टाइमिंग चेन निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे जो फ्रंट में आपको ये ढक्कन दिख रहा होगा, तो ढक्कन निकालने के लिए हमको उधर जो राइट साइड में एक बोल्ट रहता है लंबा 10 mm का बोल्ट रहता है, वो आपको बोल्ट हम कंप्लीट दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे देख बिल्कुल पा रहे होंगे यहाँ पे 10 mm का बोल्ट। सबसे पहले हमको प्लग कैप को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक बनाया तो उसको हम साइड कर लेते हैं। और इस जगह पे 10 mm का एक बोल्ट आपको दिख रहा होगा, तो इसको नॉर्मली 10 mm की गोटी से रिमूव कर लेना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के बाद फिर पैनल उधर का खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं उधर से हम इस तरह का लॉन्ग बोल्ट, लंबा टाइप का 10 mm का बोल्ट रहता है, और ये कैप यहाँ से रिमूव हो गया, उधर से इधर अटैच रहता है, दोनों साइड यहाँ पे टाइट रहता है उधर से। और नॉर्मली यहाँ पे देख से ढक्कन हमारा निकल गया है, और यहाँ पे आपको टाइमिंग चेन आराम से दिख पा रहा होगा, इस जगह पे इसका टाइमिंग चेन है। तो इसको हमको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमको इधर का कंप्लीट ये जो कॉइल है इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने से पहले 4 हेड स्क्रू यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे एक रॉयल की गरारी रहती है तो इसको भी निकालना पड़ेगा, और टाइमिंग चेन की भी गरारी निकालना पड़ेगा। तो इसको 8 mm के टूल्स खुद से खोलना पड़ेगा, जिसको थोड़ा सा हीट करने के बाद 4 हेड पेचकस स्क्रू की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से कंप्लीट कॉइल प्लेट को हम रिप्लेस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। फिर आपको दिखाते हैं टाइमिंग चेन को आपको कैसे निकालना है, इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं टाइमिंग चेन कहाँ से अटैच रहता है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो कंप्लीट हमको ये मैग्नेट कवर को रिमूव करने के, इसको बाहर निकालने के लिए नॉर्मली हमको इस तरह का टू स्क्रूज हमको जो रिमूव करना पड़ेगा, एक यहाँ नीचे की साइड रहता है, एक अप साइड ऊपर की साइड रहता है। तो कंप्लीट हम स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम पेचकस से इस जगह पे पिकअप कॉइल को थोड़ा सा हम इधर से अंदर की ओर से प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आपको कैमरे में आराम से दिख पा रहा होगा। इस जगह से हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे बाहर की ओर तो ये निकल जाएगा। तो नॉर्मली इसको निकाल लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये देख सकते हैं बाहर नॉर्मली आराम से निकल गया, और यहाँ से ऑयल गिरता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो इसका न्यूट्रल लाइट की पत्ती में इसका जो वायर गया, तो नॉर्मली यहाँ से इसका हम प्रेस करेंगे इधर से स्प्रिंग और इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं हमारा कॉइल प्लेट जो कम्प्लीट है, कॉइल प्लेट निकल गया। और यहाँ पे एक ऑयल सील रहती है, इसको भी ध्यान में रखना, ये हार्ड हो गया होगा तो इसको रिप्लेस कर दें, और इसके ऊपर भी ऑयल सील रहता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट इसको क्लीन करने के बाद रेजीबोन डालेंगे ताकि ऑयल की लीकेज ना हो। और आपको दिखा देते हैं इसके हीरो की कैसे टाइमिंग चेन जो अटैच रहती है, कहाँ से अटैच रहती है, कैसे गरारी में पुश होने के बाद ये आवाज़ नॉइस आ जाती है, कौन सी गरारी खराब होने से। तो आपको कम्प्लीटली दिख पा रहा होगा इस जगह पे एक पुश रबर लगा हुआ है, ये भी यहाँ से कट गया है, तो ये भी कट जाने की वजह से भी टाइमिंग चेन में आवाज़ करने लगती है। और यहाँ पे आपको कम्प्लीट व्यू दिख पा रहा होगा कहाँ से कहाँ तक इसका इंजन जो अटैच है, आपको कम्प्लीट दिख रहा होगा इस जगह से इस जगह पे, यहाँ से लेकर अंदर तक ये जो है वाल्व को घुमाने का, इंजन को रोटेट करने का काम करता है ताकि वाल्व जो है ऑयल जाए, ऑयल के सप्लाई हो, और ब्लास्टिंग होती है जब गाड़ी आपकी चलती है। तो यहाँ से इंजन की ओर यहाँ पे अंदर कनेक्टिंग से इसका रोटेट है, और ये देख पा रहे हैं आवाज़ होने का रीज़न, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको देख पा रहा होगा, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा लूज, ये कम्प्लीटली टाइट रहना चाहिए ताकि आपका ना हो आवाज़ नॉइस ना आए। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा लूज है। तो सबसे पहले नॉर्मली हमको ये जो ऊपर की है गरारी इसको हम निकाल लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इसको नॉर्मली निकाल लें, फिर ये गरारी हम आपको नॉर्मली चेक करके देख लेना है कि ये ख़राब है या सही, बट ये सही है, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हमको केवल टाइमिंग चेन डालना है। आपको हम क्या प्रूफ पहले दिखा रहे हैं, यहाँ पे गैसकेट, इस जगह गैसकेट दिख रहा होगा फुल गैसकेट, क्या इसका फुल इंजन फिटिंग हुआ है, कोई किया था, बट इसमें जो टाइमिंग चेन का इशू रह गया, टाइमिंग चेन का नॉइस रह गया। तो कम्प्लीट हम इसको जो निकालने के बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये भी बुश है, ये कट गया, यहाँ से भी नॉइस आ रही थी, और ये टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। तो ये गरारी खोल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट की गरारी, और कंप्लीट टाइमिंग चेन निकालने के बाद दिखाते हैं कैसे आप टाइमिंग चेन डालें। तो कंप्लीट टाइमिंग चेन निकालने से पहले यहाँ पे 10 mm का जो बोल्ट है इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक गरारी है, रोलर बना है। तो इसको रिमूव करने के बाद अंदर से हम उसको पुश करेंगे तो बाहर की ओर गरारी निकल जाएगा। जैसे कि आपको दिखा देते हैं एक ये छोटी वाली ब्लैक गरारी जो हम यहाँ से निकालें, एक अंदर की ओर है, तो यहाँ से भी हम गरारी बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ये गरारी इसको हम रिमूव कर लिए, इसको यहाँ पे 2 है 8 mm का बोल्ट, इसको निकालने के बाद ये कंप्लीट लूज पड़ जाता है। तो इसको नॉर्मली जो गरारी है इसको यहाँ पे टाइमिंग चेन कंप्लीट उतारने के बाद बाहर निकालना रहता है, इसको बाहर कर लेना है, फिर टाइमिंग चेन को इधर से हम पुश करेंगे तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इसको कंप्लीटली कैसे निकालना है वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गरारी कंप्लीट निकल गया, यहाँ पे आपको हम टाइमिंग दिखाने वाले हैं ऑयल कंप्लीट पहुँचने के बाद। यहाँ पे आपको एक निशान दिख पा रहा होगा, यहाँ पे आपको निशान दिख पा रहा होगा दोस्तों कैमरे में, इस जगह पे यहाँ पे एक निशान रहता है, ये हमको यहाँ पे टॉप इस जगह पे कट आपको दिख रहा होगा कैमरे में, यहाँ पे इस जगह पे देखिए कट है, तो ये जो निशान कट है तो ये सामने को और यहाँ पे जाएगा कट निशान पे, ताकि इसका टाइमिंग जो है परफेक्ट लग पाए और गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाए। इसको फिटिंग करने वक्त आपको हम टाइमिंग दिखाएंगे कहाँ से किस तरह से टाइमिंग करना। सबसे पहले हमको कंप्लीट टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन की गरारी निकालना है, और कौन सी पुश रबर आपको डालना है, कैसे आपको इसका फिटिंग करना है वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हम कंप्लीट दोनों रोलर को निकाल दिए, यहाँ पे कितना रोलर रहता है आपको कंप्लीट दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन नॉर्मली अब इधर से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आपको डिटेल देते हैं कहाँ से कौन से टाइमिंग चेन में अटैच रहता है। सबसे पहले देख सकते हैं ये जो गरारी में यहाँ पे नीचे गरारी में लगा है ये, तो ये उधर क्लच साइड से अटैच रहता है, फिर ये क्रैंक की गरारी है, और एक यहाँ पे फ्रंट जो कैम शाफ्ट की गरारी में अटैच रहता है, यहाँ पे आगे
और एक है ये बड़ी वाली गरारी जो यहाँ पे अटैच रहता है ताकि एकदम एक जरा सा नॉइस नहीं आए, एकदम प्लग इन प्ले ना हो। और ये जो छोटी वाली गरारी है यहाँ पे रहता है, तो हम फिटिंग करने वक्त आपको हम डिटेल में दिखाएंगे कौन सी गरारी कहाँ पे लगाना है। तो कंप्लीट हम सारा चीज़ को पहले वॉश कर लेते हैं, कंप्लीट क्लीन कर लेते हैं ताकि कहीं से ऑयल लीकेज ना हो। और कहाँ पे कौन सी गरारी डालना है, इतना हाथ में मेरी गरारी है तो किस जगह पे कौन सी गरारी फिटिंग करना है वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे डिटेल के साथ। जैसे दोस्तों देख पा रहे हो कंप्लीट हम इधर इंजन का पार्ट्स वॉश करने के बाद यहाँ पे नया टाइमिंग चेन डाल दिए हैं। और ये रही हमारा प्रूफ, इधर पुराना टाइमिंग चेन और ये इसका अनबॉक्स किया हुआ पैकेट। तो यहाँ पे हम नया टाइमिंग चेन डाल दिए हैं और इसको डालने के लिए सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर कनेक्शन करना है और इधर से अंदर से डालने के बाद इधर से बाहर निकाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अटैच हो गया है। अब आपको हम सिंपल बताएंगे कहाँ पे कौन सी गरारी और कौन सा रोलर डालना है और कौन सी कैसी इसके टाइमिंग चेंज करना है ताकि गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में ट्रेवल ना हो, गाड़ी एक बार में तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो ये वायर कनेक्शन जो किए हैं ये हार्ड पड़ गया है, तो इसको हम नॉर्मली निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ से कौन सी गरारी डालनी है और कैसे इसका टाइमिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमको इस तरह की बड़ी वाली गरारी लेनी है, और कंप्लीट ये गरारी में यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे हीरो लिखा हुआ और एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन है, सिंपल है। जो सबसे पहले जो गरारी डालनी है तो हीरो जो कुछ भी लिखा हो उसको अपने अपने तरफ रखना है, बाहर की ओर रखना है। तो ये जो गरारी जाएगी यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे एक बोल्ट अटैच रहता है, आपको यहाँ पे का बोल्ट भी दिखा दे रहे हैं इस तरह का कुछ, यहाँ पे अलग सबसे अलग बोल्ट रहेगा इस तरह का बोल्ट, ताकि यहाँ पे गरारी जाके इस तरह फंस जाती है। जैसे टाइमिंग चेन रोटेट होता है ये घूमता जाता है, यहाँ पे कैमरे में आपको दिख रहा होगा इस तरह ये घूमता है, यहाँ पे ये टाइट हो जाती है कंप्लीट ब्लॉक में। तो इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ पोर्सन है ये बाहर की ओर रखना है और इसको अंदर डाल देना है, और टाइमिंग चेन जो है इसके बीच में रहेगा इस तरह, ये बीच में रहेगा टाइमिंग चेन, इसका ऊपर और नीचे से रोटेट होती है, इस तरह घूमती है। तो सबसे पहले इसको हमें अंदर डाल लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मली इसको डालने के बाद ऊपर से बोल्ट टाइट हो जाता है, तो इसको डालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। यहाँ पे डालने के बाद हम कंप्लीट बोल्ट टाइट कर देते हैं इस जगह पे, इसको डाल के बोल्ट टाइट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इधर से इसको पुश करना है और डाल देते हैं वहाँ। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे इसका अंदर जो हम बड़ी वाली गरारी थी इसके अंदर हम डाल दिए और यहाँ पे बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब नॉर्मल सबसे पहले जो हमको करना है यहाँ पे फ्रंट की गरारी डालना है, तो उससे पहले सबसे पहले जो हमारा ये पिस्टन का ये यहाँ पे लिंक बना हुआ है, तो इसको सबसे पहले टॉप पे कर लेते ताकि टाइमिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो इसका खोले थे जो स्क्रेच पड़ गया इसमें, इसको सही करने के लिए खोले हैं ये ब्रेकेट जो है टाइमिंग चेन ब्रेकेट, इसको यहाँ से देख पा रहे होंगे इस जगह स्क्रेच पड़ गया है, थोड़ा सा इसको डाउन करके यहाँ पे इसको होल्ड कर देंगे। फिर कौन सी गरारी कहाँ पे डालना है इस जगह पे छोटी, कौन सी गरारी डालना है वो आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे जो हम इसका टाइमिंग चेन का जो ब्रेकेट खोले थे, तो यहाँ पे नॉर्मली 17 mm का बोल्ट रहता है जो यहाँ पे अटैच होकर टाइट हो जाता है, और यहाँ पे इसको पुश रबर पुश करता है ताकि टाइमिंग चेन की आवाज की गरारी आवाज़ ना करे। तो नॉर्मली सबसे पहले जो है टाइमिंग चेन की गरारी को टाइट करने के लिए जो ब्रेकेट यहाँ पे 17 mm का जो बोल्ट है दिख रहा होगा इस जगह पे, जिसको कंप्लीट टाइट कर लेना रहता है ताकि जो यहाँ पे हम ब्रेकेट डालेंगे पुश करेंगे ताकि आवाज़ ना करे। तो कंप्लीट इसको टाइट कर लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं नॉर्मल। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जो टाइमिंग चेन की ब्रेकेट है वो हम कम्प्लीट टाइट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको एक साथ छोटा सा रोल जो हम खोले थे यहाँ पे इसमें भी निशान दिया है, तो जो आपको दिखा दिए जिसमें कुछ लिखा हुआ पार्ट्स हो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें 6 लिखा हुआ है, तो इसको बाहर की ओर रखना है, और इधर जो नॉर्मल पार्ट से कुछ नहीं लिखा हुआ इसको अंदर की ओर रखना है। तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरह का कि इसको डाल देंगे, देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पे इस तरह डालने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देख सकते हैं इसको यहाँ पे ब्रेकेट डाल दिए। अब जो हमको कंप्लीट यहाँ पे जो फ्रंट की गरारी खोले थे वहीं से इसको टाइमिंग करना रहता है, तो कैसे इसका टाइमिंग करें वो आपको हम दिखाएंगे। और मैग्नेट डालने से पहले दिखाएंगे कहाँ से इसको टाइमिंग करना है, कैसे इसको टाइमिंग करें ताकि गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट हो जाए। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं हम कंप्लीट इधर की गरारी फिटिंग कर दिए, यहाँ पे फ्रंट की जो कैम शाफ्ट की गरारी है उसको डालना है। तो यहाँ पे आपको कैमरे में आसानी से इस जगह पे निशान बन गया है, दिख रहा होगा यहाँ पे कंप्लीट, तो इसको जो यहाँ पे निशान है और इस जगह पे यहाँ पे जो हेड में एक निशान है, तो इस निशान को और इस निशान को यहाँ पे मैचिंग करके लगाना है ताकि गाड़ी जो है तुरंत स्टार्ट हो जाए और बैक कंप्रेसर ना मारे। तो टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, टाइमिंग अगर परफेक्ट कीजिए तो गाड़ी नॉर्मली स्टार्ट होगी, और टाइमिंग आपकी अगर गलत हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हेड में आपको कट दिख रहा होगा इस जगह पे, तो ये कट और यहाँ पे जो निशान है इसको हमको मैच करना है। तो एकदम नॉर्मल है यहाँ पे, खाली 8 mm का जो बोल्ट का यहाँ पे थ्रेडिंग बना हुआ है, तो इस जगह पे यहाँ पे बोल्ट टाइट करना है दोनों 8 mm का मिला के, सिंपल है एकदम, एक जरा सा मुश्किल नहीं। तो कंप्लीट इसको हम टाइट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं।
जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो कंप्लीट यहाँ पे हम टाइमिंग चेन को अटैच करके इधर बूश उश डाल दिए। अब हमको नॉर्मली यहाँ पे नीचे से जो यहाँ पे पुश रड के बूश रहता है ये कंप्लीट डालना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि इसको प्रेस करके रखे और टाइमिंग चेन में नॉइस ना आए। तो इसको हमको नीचे से डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग को भी इसके पीछे से डालने के बाद फिर नीचे से बैट करना पड़ता है बोल्ट, ताकि टाइमिंग चेन में डिस्टेंस ना बना रहे। देखिए अभी लूज पड़ गया है, तो नीचे से हम पुश रोड डालेंगे तो इसको यहाँ से प्रेस करके रखेगा तो ये लूज नहीं पड़ेगा। तो इधर से हम पुश रोड को डालते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं कितना ज्यादा ये टाइट पड़ जाएगा और टाइमिंग चेन से एक जरा सा भी नॉइस नहीं आएगी। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम नीचे से पुश रोड डाल दिए। अब उसको टाइट करने से पहले यहाँ पे 14 नंबर का एक नट रहता है, तो उसको डालने से पहले यहाँ पे आपको अल्मोनियम वॉशर दिख रहा होगा, तो ये वॉशर को डालना ना भूलें ताकि ऑयल लीकेज ना हो। तो इसको यहाँ पे कंप्लीट टाइट कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखा देते हैं। देख से ये फुल टाइट हो जा रहा है और यहाँ पे अल्मोनियम वॉशर रहता है, उसको आप ना भूलें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कंप्लीट हम इधर टाइमिंग चेन फिटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमको कंप्लीट इधर वॉश करने के बाद पेट्रोल से कंप्लीट क्लीन कर लिए हैं। अब नॉर्मली हमको इसमें जो रेजी बोंड यूज करते थे ताकि ऑयल का इधर से लीकेज ना हो, तो रेजी बोंड कंप्लीट डालना है यहाँ पे। ऑयल सील देख ले, मेरा तो ये ऑयल सील सही है, अगर ऑयल सील हार्ड पड़ जाता है हीटअप की वजह से तो यहाँ पे नया ऑयल सील डाल रहे हैं। तो कंप्लीट हम रेजी बोंड का इस तरह यूज कर लेते हैं ताकि फिर उधर ऑयल लीकेज ना हो। यहाँ भी डालना है रेजी बोंड और इसमें भी एक ऑयल प्लेट में डालना है, तो ऑयल प्लेट और ऑयल सील में रेजी बोंड डालने के बाद फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कंप्लीट इधर हम गैस्केट कॉइल प्लेट में डालने के बाद कॉइल प्लेट कंप्लीट डाल दिए। अब हमको नॉर्मली मैग्नेट डालना है और यहाँ पे फ्रंट का कवर डालना है, तो मैग्नेट डालने के बाद आपको टाइमिंग दिखा देते हैं परफेक्ट हमारी गाड़ी का टाइमिंग हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो कंप्लीट हम मैग्नेट टाइट कर दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहे हो हम कंप्लीट मैग्नेट टाइट कर दिए हैं। और यहाँ पे हम जब पिस्टन को देखिए टॉप पर हम ले आए हैं, तो यहाँ पे आपको हम टाइमिंग दिखा देते हैं नॉर्मली किस तरह हम टाइमिंग की और कैसे आपको भी टाइमिंग करना है। तो नॉर्मल जो है यहाँ पे भी टॉप पे पिस्टन ले आने के बाद आपको दिखा देते हैं कैसे आपको टाइमिंग गाड़ी की करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो टी की निशान है, वहाँ यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, इस जगह पे कट का निशान आपको कैमरे में शायद दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे कट का निशान है, यहाँ पे टी का सिंबल लाना है और इस जगह पे जो कट का निशान है इस जगह पे यहाँ पे आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक निशान बना हुआ है यहाँ पे, उसको इस जगह पे लाना है। तो कंप्लीट टाइमिंग आपको हम दिखा देते हैं परफेक्ट। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम जो पिस्टन को यहाँ पे टॉप पे लाए हैं, टीएफ लिखा यानी टॉप फ्लोर, पिस्टन हमारा टॉप फ्लोर पे है, यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा इस जगह पे कैमरे में, इस जगह पे यहाँ पे टॉप पे हम पिस्टन ले आए हैं, टी लिखा हुआ, और यहाँ पे मार्कर जो बना हुआ है उसको हम इस जगह पे ले आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम टाइमिंग जो परफेक्ट मिला दिए हैं आपको। नॉर्मली सिर्फ यहाँ पे आप हम ढक्कन डालेंगे, टाइट करने के बाद उधर से जो हम 10 mm का बोल्ट डाले थे उसको हम टाइट कर लेते हैं, फिर आपको नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट करने के बाद दिखा देते हैं इसका नॉइस गया है या नहीं गया है आपको। स्मूथली गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं ये ढक्कन टाइट करने के लिए, उधर से हमको 10 mm का बोल्ट जो खोले थे उसको हम डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कंप्लीट हम इसका जो टाइमिंग चेन के लिए खोले थे कंप्लीट इधर फिटिंग कर दिए। अब आपको सिर्फ लास्ट स्टेप जो बता देते कि इसका साउंड सुना देते वही गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें हम अभी टाइमिंग चेन डाले हैं, तो कंप्लीट आपको आवाज सुना देते हैं गाड़ी के, एकदम स्मूथ हो गई आइडलिंग में, एक जरा सा टाइमिंग चेन की आवाज नहीं आ रही है। तो नॉर्मली फिर गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद आपको दिखा दोस्तों, जब भी गाड़ी का आवाज चेक करना हो टाइमिंग चेन को तो एकदम आइडलिंग में रहना चाहिए, एकदम आरपीएम कम होना चाहिए। देख सकते हैं पहले किस तरह से खट 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 की आवाज थी, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई गाड़ी, पूरा एक जरा सा टाइमिंग चेन का आवाज नहीं निकल रहा है गाड़ी की। जैसे देख सकते थे अभी हम गाड़ी स्टार्ट किए थे, एक जरा सा टाइमिंग चेन की आवाज नहीं हुई थी, तो वो टाइमिंग चेन गाड़ी की फुल इंजन फिटिंग हुई थी, जैसे कि आपको प्रूफ दिखा दिए थे गैस्केट वगैरह पूरा कंप्लीट लगी हुई है, बट इसमें टाइमिंग चेन की बहुत कटकट कटकट की आवाज आ रही थी। हम इसमें टाइमिंग चेन न्यू डाल दिए, नया रिप्लेस कर दिए, अब इसमें एक जरा सा आवाज नहीं है। ये हीरो होंडा की सिटी डाउन बाइक है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसी तरह का कोई भी अगर गाड़ी का इंजन रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।